जोसा ने IITs के लिए भी टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी वाइज रिलीज कर दिया है 2022 एंड 23 के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने NIT प्लस सिस्टम के लिए भी ये डेटा रिलीज किया था, तो उनके साथ अगर कंपेयर करूँ तो तीन बोर्ड्स विच आर योर CBSE, ISC एंड महाराष्ट्र बोर्ड में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। नाउ टू अंडरस्टैंड, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ जोसा 23 के लिए, तो आपका ब्रोशर देखो क्लियरली कहता है द कैंडिडेट मस्ट सैटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया, या तो आपके किसी भी बोर्ड में 75% या उससे ज़्यादा है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में लाई कर रहे हो। तो अभी ये जो डेटा रिलीज भी हुआ है इसमें CBSE एंड ISC में मार्क्स थोड़े से ज़्यादा ही हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 75% ऑलरेडी बना चुके हो, ठीक है। सो टॉप 20 परसेंटाइल से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कहाँ पे आ रहा है, महाराष्ट्र बोर्ड पे। तो ये बच्चे डेफिनेटली इसको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करें। इसके अलावा आपको आपकी रैंक एंड कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं उसकी मॉक एलोकेशन आपको हो चुकी होगी। प्लीज़ जोसा काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसीजर की वीडियो को देखकर आगे बढ़ो। जो आपका सिलेक्शन ऑर्डर है उस पर भी अलग वीडियो हुई है, दोनों की दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। एंड इसके साथ साथ जो भी बच्चे अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या 2024-25 की तैयारी कर रहे हो, देन हमारी बेसिक्स की सीरीज यानी कि फाउंडेशन कोर्स, यानी अगर आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो या अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करना चाहते हो, then it has already started. Playlist को comment section में pin कर दूंगी, and बाकी tinyurl.com/JEEWithNehaMam से आप अपनी complete JEE mains and advance की तैयारी YouTube पर रहकर कर सकते हो। Link is again pinned in the comment section. Make sure to hit the like button to support only official and quality stuff on this channel. See you guys live again. आज रात को 9 बजे मिल रही हूँ functions के basics and domain range के साथ। Bye bye.